अब ये जो अगली फाइट होगी इसकी वजह से रिकॉर्ड का सपना चूर, अब बस भगवान ही बता सकते थे इसमें। घर के अंदर दौग दे दिया लेकिन मामला We are back, my guys! वापस से हाईएस्ट स्किल्स एनर्जी आउट और गेमप्ले बहुत जहर होने वाला। देखो झूठ नहीं बोलूंगा, शुरुआत में थोड़ा नल्ला सा था गेमप्ले लेकिन आखिर जाते जाते फट के हाथ पे आ जाती है मेरी, तो इट इज ग्रेट, इज गुड। और मेरे बाल छोटे कट गए गाइस, छोटे काट दिए इस 23 बार, क्या क्या ही अच्छा लग रहा है हेयरकट, क्या मतलब है नल्ला लग रहा हूँ। लेकिन आज वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में मेरे को कुछ चीजें वी हैव टू टॉक, कुछ चीजें अपने को क्लियर करनी है। तो यस लेकिन आप मजे करो, जहर है मजा आएगा, देखो तुम मजे करो। तो भाई लोग कैसे हो, तो वेलकम बैक, बैक वेलकम, और स्वागत है आपका ब्रांड न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बजबी गेम प्ले वीडियो पे, जहां पे अपन ने कर दिए है 53 के। लेट्स गो बैक गाइस, लेट्स गो। लेकिन ये बैच मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर पे जाते जाते ऐसा इंटेंस हो जाता है, अपनी खुद की टीम में फाइटें चालू हो जाती है, मजाक सेट के गलत सीन है बहुत। एक दिया, दो नॉक, तीसरा बच गया, तीसरा नॉक, चौथा नॉक। अब यहाँ पे देखो चार नॉक तो दे दिए, चार किल भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक आध तीन बंदे नॉक करके मैं आगे बढ़ रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ इसके अंदर भी कोई है, इसको लपेटो पहले। ये भी गया। अब देखो इसकी पेटी पैक करते हैं, ये गेम जैसे होते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले, साला रुकना ही नहीं होता, तुम आधा मिनट भी कहीं रुकते हो खत्म, वर्ल्ड रिकॉर्ड खत्म, अपनी बनता रिकॉर्ड, तो इस पे भागते रहो बस नल्लों की तरफ। एक अंदर बैठ रखा था, इसके इसको दबोचता हूं मैं, अब ऊपर बंदे देखो, दो दो, और इसी के साथ इन दो नल्लों की मैं पेटी डालता हूँ, हो चुके थे 8 की, ठीक है मामला। अब देखो मैं सीधा भाग के जाता हूँ ये डीपी वाले पे, पता नहीं कहाँ पे बैठ के डीपी बाजी कर रहा है बेटा, डीपी चलाएगा, रुक जाओ इसके दंड देने के लिए मैं बिल्कुल भगदड़ चालू कर देता हूँ। लेकिन ये बैठा किधर है, बस यही इसी बात की दिक्कत रहती है मेरे को, इसी बात की बस। अब इसको पेला, और बंदे इधर, ऊपर चलो, ऊपर चलो सीधा रस करते हैं ऊपर, ये भी गया। अब इसकी बेटी पैक करते हैं, मेरे को बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि देखो अपने टीममेट लोग नॉक है, पता नहीं कहां कहां से आता है, देखो इसमें सीन ये रहता है बंदे ठिलते हैं उसके बाद ये नल्ले उड़ के आ जाते हैं यहाँ पे, तो अब वो भी देखना पड़ता है। अब देखो ये मैच ऐसा था यार, शुरुआत में अपने को इतनी खास किल नहीं मिल पाती लेकिन आखिर पे जो तुम्हारा भाई जो परफॉर्मेंस देता है आखिर पे यार मचा ही आता है, कब आखिर पे ऐसे ऐसे गलत सीन है इस मैच में, मैं तुम्हें देखना पड़ेगा, बहुत जहरीला मामला है, हद से ज्यादा जहरीला मामला है, हद से ज्यादा। फिलहाल के लिए देखो मैं आता हूँ, कुछ दिखा था मेरे को इधर, ये नल्लू साफ बन चुका था अभी से, साले बेशरम ऐसा ही फटी पड़ी और ये नल्ले साफ सूफ बन जाते हैं। अब देखो अपना आइडिया था यार, मेरा प्लान ये था कि अभी तो सिर्फ 12 किल हुए, ये क्या ये 12 किल करके कौन सा रिकॉर्ड बनेगा, कद्दू को सुना होने वाला। तो देखो मेरे को पता था कुछ बंदे वापस जरूर आएंगे लेकिन यार उनको प्लेन से आते हुए टाइम काफी लग जाता है क्योंकि प्लेन पता नहीं क्यों धीरे चलता है वाला, सालों जल्दी भेजा करो जल्दी निपटाऊ मैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा जाते हैं मिल्टा रश करने, अगर एक आध कुछ बंदे अगर मिल गए मिल्टा में उनको पेल के वापिस विलेज आ जाएंगे ड्रैगन बॉल वाले, ताकि वापिस से किल उठा सकूं जो बंदे वापिस आएंगे उनकी। तो यहाँ पे करना क्या था, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ज्यादा बंदे तो नहीं होते लेकिन बट पांच मिल जाते, 10 बार डाल आया जाए मेरा काम आसान कर दो, साला भाग भाग के परेशान हो चुका हूँ मैं, हर मैच में कुत्तों की तरह भाग रहा हूँ। अब एक बंदा, ये अब ये भी भागने लगता है, साले तू क्यों भाग रहा है, तेरे को कहा कि जल्दी है, तो करना क्या था इसका मैं पीछा करता हूँ, ये छत तक गया था लेकिन ये नल्ला बेशरम मेरा टाइम बर्बाद करेगा, ये भागता है, ये गया। इसकी पेटी सीधा पैक हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो इसकी टीम थी, एक बंदा मेरे को वहां बर्न हाउस से आते हुए दिखा था, भगते हुए दिखा था, तो उसको भी पेलना पड़ेगा। अब करना क्या था, मैं देखता हूँ ऊपर रह रहा था, मैं देखता हूँ कहाँ पे है काम,
क्योंकि मैं नहीं रहता यार, कहीं गलत जगह भागू मैं और पता चले बंदे पीछे हो, तो अब पता चलता है कुछ बंदे आगे ही बैठे बड़े थे, तो करना क्या था आगे की दौड़ लगाऊ। जिंदगी बस भौड़ा बन चुका हूँ गाइस, मैं जिंदगी में बस भागते हुए बिता रहा हूँ। और ये बिल्कुल मुंह के अंदर ही घुसा था, साले क्या कर रहा है, मेरे को पता नहीं था सामने से बंदा आ रहा है, लगा था नाव को जाऊंगा। खैर देखो यहाँ पे एक और नल्ला बैठा होता है, इसको भी पकड़ता हूँ मैं। पहले मेरे को लगा इट इज अ बॉट, मैं ये सोच के घुसा मेरे भाई, साला ये तो बंदा निकला, कपड़े पहन के, ऐसे कपड़े पहन के बुद्धू काटने की कोशिश, साले नल्ला है क्या, बिल्कुल ठिलने वाला था यहाँ पे, लेकिन बच गए। अब देखो बजाक सेट के यहाँ पे ज्यादा कुछ था नहीं, एक हाथ बॉट और मिलते है पे दो क्या, बस भी थोड़े और बॉट दो साल हो मेरे सामने दे दो बू के। तो वहां से मैं बॉट बूट की पिटाइयां लगा के किल अपने 20 हो चुके हैं, 20 किल करके वापिस पे आ गए विलेज पे। अभी देखो अभी तक ना मेरे को लग नहीं रहा था ये 50 किल गेम प्ले होगा, बिल्कुल ऐसे कैसे होगा 50 किल, इसमें था नहीं ज्यादा चांस नहीं था, लेकिन हार नहीं मानती। डबल पंच दो दो और ये M16 बचा देता है कोई, मेरी फट चुकी थी। अब यहाँ पे दो नॉक मैं दे चुका हूं, लेकिन देखो एक M16 वाला भी था, उसको देखना पड़ेगा कहां पे बैठा ये। इसके भी डंडा देता हूं मैं, तीन बंदे पकड़े गए, पेटी डालना हम चालू करते हैं यहाँ पे। अब एक पीछे, अब मेरे को लगा था मैंने चारों बंदे पेल दिए, लेकिन मैं गलत था मेरे भाई। आगे देखो इसको, देखो ये छुपा रुस्तम बिल्कुल छुप के पिग बाजी कर रहा है, मैं वाला बेटा आज रहा है, इसको पकड़ने के लिए मैं जाता हूं, लेकिन ये नल्ला भगदड़ चालू कर देता है, तो हाँ मेरे को भी भगना होगा। अब ये भाग गया, करना क्या था, उड़ता हूँ, उड़ने में रश करूंगा, ज्यादा दूर ना, ये रहा बैठा इसके नीचे, एक गोली पड़ी, इस दो ऐसे क्या 7-25 किल मेरे हो चुके थे। देखो ये कुछ ज्यादा खास नहीं, मतलब मिल्टा पे जाके कुछ किल लेके आया था मैं यहाँ से, तो हाँ उतरते हुए देखो लैंडिंग इतनी इतनी बढ़िया नहीं थी, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आखिर में ऐसा पुश करना होता है, आखिर में फट के हाथ में आ गई थी गाइस, क्योंकि एक बंदा अगर ढिल जाता, एक बंदा जोन से ढिल जाता, एक बंदा कहीं लड़के गलती से ढिल जाता, कुछ हो जाता, खत्म था खेल। मजाक साइड के हर एक बंदा हमको पहनना था गाइस, नहीं तो भूल जाओ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भूल जाओ कद्दू पकड़ के झूल जाओ। लेकिन देखो मैं अभी रस करने जा रहा हूँ, हम लोग लगभग अलग अलग घूम रहे थे, थोड़ा बहुत ज्यादा दूर नहीं थे, आसपास ही थे, क्योंकि यार अभी बंदे मिल भी नहीं रहे, तो पता नहीं कहाँ ही जाना है, समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं एक चक्कर वापिस काटता हूँ रिकॉल का। अब ये कोई AFK बंदा रिकॉल करा गया है, बंदे ने गेम छोड़ दिया होगा, इसके टीममेट ने रिकॉल दबा दिया। अब टीममेट बैठा सामने, तो हाँ देखो क्योंकि ये रिकॉल हुआ था, कोई ना कोई तो होगा जिसने रिकॉल का बटन दबाया हो, तो हाँ एक नल्ला यहाँ पे था, इसको पकड़ने जाता हूं मैं, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि देखो यहाँ पे मात्र 2 किल के लिए हमने पता नहीं कितनी किले छोड़ दी, पता नहीं कहाँ बंदे जा रहे हैं। देखो सीन यही होता है यार, 1-2 किल पे ना घाटा हो, टाइम बहुत जाता है, लेकिन देखो जो हुआ सो हुआ, वो सब हटाओ। अब ये गेम ऐसा रुख पकड़ता है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, फट के हाथ में ऐसे रस होते, मेरे को 8 बंदे एक साथ मिल जाते, 8 बंदे, मजाक भी नहीं कर रहा, 8 बंद, और इन 8 बंद को पहनने के लिए मैं था तैयार बिल्कुल, और अपना गेम यही खत्म होने वाला था, मजाक से हटके। ब्लैक वॉल का, ओ यहाँ ओपन में गाड़ी है, ऊपर पे गड्डी, चल चल चल, 2-3 से 4 बंदे, 4 बंद, कुछ नहीं उखाड़ा मैंने, और उल्टा मैं खेलने वाला था। अब यहाँ पे तुम्हारे भाई का सस्ता स्प्रे धोखा दे देता है साला, कोई नहीं ढिला, अब देखो ये है 8 बंदे, 4 ओपन पे और ये 4 बैठे घर के अंदर। अब ये सुनो, अब यहाँ पे देखो मेरे को पता नहीं था 2 नॉक है, लेकिन मेरे टीममेट लोग बताते हैं 2 नॉक है, तो दिस इज टाइम माय गाइस वी हैव टू गो,
ये अब मैं उड़न तस्तरी बन के चल जाता हूँ सीधा घर के ऊपर। अरे यहाँ मजा आ गया, चारों खत्म, चारों खत्म। अब यहाँ पे देखो मेरे टीम लोग चिल्ला रहे होते हैं चालू रुपए स्प्रे डाल, क्योंकि देखो यहाँ पे ना रुक नहीं सकते बिल्कुल। लेकिन वो बंदों के सामने मेरी किस्मत बिल्कुल पनौती चल रही होती बिल्कुल। उन बंदों का एक बंदा मैं पेल चुका था, तीन बंदे लेकिन गाइस कैप्सूल पे बैठ के आ यही वो ये जो नुन्नू आड़िया उसी पे बैठ के निकल गए। थोड़ी देर के लिए राइट पे जाता है, पता नहीं देखो दिमाग ना काम नहीं करता सीर ये हो। ऐसे बच्चों पे जब ऐसी हड़बड़ो दिमाग काम नहीं करता। हम लोग कार लेते ये सोच के कि यार थोड़ी फास्ट है उस गाड़ी से, क्या पता हम ढूंढ ले मेरा कद्दू। भाग जाते हैं लाइफ गायब हो गया, आप साले कहीं और जाके फिर जाएंगे। इट इज बैड बैक गाइस, मेरे को कद्दू पता ना चलता कहाँ भागते। ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर भी आया, कोई खाली मेरे दाऊजी खाली। और देखो मैच ऐसे मोड पे आ चुका है, अगर तुम कैलकुलेट करोगे मैं बैठ नहीं रहा हूँ कैलकुलेट करने, लेकिन अगर बंदे ठिलते हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड का सपना चूर खत्म। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा जल्दी जा सो जा घर पे जाके, ऐसे नहीं बनता वर्ल्ड रिकॉर्ड। अगर अरे एक बंदा ठिल गया, लेकिन अब अगर एक बंदा ठिल जाए मेरे को घर जाके सोना पड़ेगा, ये नहीं हो पाएगा। तो ठिलने दे नहीं सकते एक भी बंद, एट इज बैड। बहुत भटके हाथ में थी अभी, लेकिन मैं उस सब पे ध्यान नहीं दे रहा था, मेरा ध्यान था सिर्फ और सिर्फ बंदों की पेटियां पहनने में। अब इसको हेडशॉट दिया इन्होंने, यहाँ पे शीरा बुलाया था। अब ये भग गया अंदर जा चुका है, अब अंदर कितने बंदे वो देखना पड़ेगा। गाड़ी रोकते हैं, अब देखो कुछ बंदे लड़ रहे होते हैं, मेरी फट रही होती है, लेकिन यार क्या कर सकते हैं, जो है वो है, जो सामने है उसी पे ध्यान देता हूं। वायरल खत्म, ये भी गया पकड़ा गया। अब यहां पे देखो मेरे टीममेट लोग सिर्फ पूरे मैच में एक ही चीज बोलते जाता, निकल सालो लूटे तो दो वायरल खा लिया मेरी, क्या करूं निकल के। ये देखो वायरल पे ये 30 गोली है, क्या होगा इससे, साला रिलोड करने के लिए गोली नहीं है आदमी के पास, निकल निकल। लेकिन अब देखो अगर ऐसा नहीं खेला जाएगा बगैर निकले तो गाइस इट वाज बैड। अब देखो बंदे किल फीड में लड़ तो रहे थे, 24 हो चुके, दो बंदे मैंने मारे थे, 26 में से 24 हो चुके, नौ को रहे बंदे। अब आ गई महंगी गड्डी, गड्डी महंगी काफी डैमेज दिया, लेकिन डैमेज से कुछ नहीं होता, डैमेज तो बॉट भी देता है, ये हाई डैमेज गेम प्ले नहीं है यहाँ पे। तो देखो मैं उतरता हूँ यहाँ पे सीधा जाता हूँ छत के ऊपर, क्योंकि मेरे को पता था ये छत पे आएंगे और कहाँ जाएंगे, इनको आना पड़ेगा। और मैंने गोबर करते एडवांस भाई, एडवांस बैड बाय गाइस, भाग गया वो डल्ला। लेकिन एक और, एक और इधर, इसको जाने ना देंगे। अब मैं करता हूँ सीधा उड़ते हुए रस, लेकिन अपने एक टीममेट नहीं उड़ता। कोई नहीं, फिनिश हो गया ना, चल मैं आ रहा था। ये भी गया, पेटी पैक करते, देखो अपने एक टीममेट की पेटी पैक करने में इन्होंने बिल्कुल टाइम नहीं लगाया। इतने में देखो नीचे से फुट स्टेप आ रहा था, एक इनका आखिरी बंद भाग के आ रहा था। मैं जाता हूं यहां पे, देखता हूं घर के अंदर ना घुसा और टाइम वेस्ट होगा, लेकिन हियर इट इज। साले क्या करेगा, अब यहां पे देखो वही सीन है, यहां से निकल। और देखो अगर अब देखो एक भी बंदा कहीं ठिल गया खाता में, मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार इन चीज़ों के लिए किस्मत भी साथ अच्छी खासी देनी चाहिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह गेम प्ले के लिए। क्योंकि यार देखो तुम पहन लोगे ठीक है, लेकिन यार बंदे तो मिले, अब साला बंदा ही नहीं बचेगा, बंदा मिलेगा नहीं, तुम पहलोगे कैसे, बंदा पहलेगा कैसे। तो हाँ यहाँ पे मैं थोड़ी सी गोली उठाता हूँ, ये महंगी गड्डी लेके रश कर देता हूँ साले, ये पुरानी गड्डी है, ये पहले जमाने की हुआ करती थी, अमीर लोगों पे हुआ करती थी पहले जमाने पे, अब तो साला पता नहीं क्या क्या आ गया, गुवाहाटी है वो। लेकिन ये थी गाइस क्लासिक गड्डी, ये गाड़ी ये रिस्पेक्ट अलग थी इस गड्डी की, मजाक सेट के। और देखो एक बंदा यहाँ पे भगते हुए मेरे को दिखा था, मैं कॉल दे रहा होता हूँ लेकिन मेरे टीममेट को समझ नहीं आ रही होती कॉल, ऐसे
एनीवे हेड लगा नहीं रहा था मैं, पता नहीं क्यों नलबाजी कर रहा था, लगा देता तो पता चल जाता अपने टीममेट को। लग रहा है यहाँ पे यहीं कहीं बंदा आया था, आगे पक्का लेट गया होगा नल्ला या तो उड़ गया होगा। कोशिश करेंगे ढूंढेंगे, लैग भी हो रहा है गेम और बंदे पास हैं। अब ये पकड़ा सांप को, अब यहाँ पे एक को पेल दे आगे बढ़ो, क्या मतलब लूट चाहिए। नीचे गड्डी नीचे। अब जो अगली फाइट थी मेरे को लगा ही नहीं ये मैच में रिकॉर्ड बन पाएगा, लगा ही नहीं। घर के अंदर धोक दे दिया, लेकिन मामला खत्म था यहाँ पे भाई। अभी जितना इसकी अब देखो, मेरे टीममेट लोग अंदर जाते रिवाइव लेने के लिए, बहुत बड़ी गलती, खत्म। अब यहाँ पे देखो हड़बड़ी पे मेरे को पता ही नहीं चलता कि एक बंदा मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया। और गाइस एक चीज मैं, अबे मुझे धप्पा था, वो धप्पा मिला भाई, क्या करूँ, वो रिफ्लेक्सेस पे लगा, मेरे टीममेट को धप्पा मिला। और गाइस देखो एक चीज मैं बताना ही भूल गया, अपन लोग चार मैन खेल रहे क्योंकि यार तीन मैन में टाइम लगता है काफी इस रिकॉर्ड को बनाने में। तो अपने आप हम एक दोस्त को बुलाते हैं ताकि साथ में खेला जाए, भाई की आईफोन की बैटरी बहुत ही खत्म रहती है लेकिन चार्ज करते हुए हम लोग खेल रहे होते हैं। तो हाँ देखो आसान सी नहीं है, मतलब मेरे लिए तो काफी दिक्कत मेहनत लग जाती है क्योंकि फट के हाथ में रहते हैं। तीन मैन में पॉसिबल है, हम लोग 51 किलो वाले में कर देते लेकिन यार भैया उस पर टाइम लग सकता है। तो अरे बोला बुलाया था मेरे ताऊ जी, टाइम लग रहा नहीं चाहिए, बुलाया था अपने दोस्त को। तो हाँ यहाँ पे देखो एक बंदा मेरे को भाग के स्क्वायर हाउस पे, स्क्वायर हाउस यस, उस पर घुसते हुए दिखा था। तो करना क्या था, उड़ के जाते। अब देखो मेरा ये दोस्त और अपनी सिनर्जी है जीरो, बिल्कुल जीरो सिनर्जी है मेरे भाई, खत्म, दिक्कत है। अब कॉल पे गलती हुई, अब यहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड भूल जाओ, अब इतने बंदे अलाइव ही नहीं है गाइस कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सके, बंदा बंदे बचे ही नहीं है कि अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सके। लेकिन एक अजूबा होता है यहां पे, एक करिश्मा हो जाता है, मजा आता है। इस नल्ले के टीममेट लोग आस पास होते हैं, और अब मैं चालू करता हूँ अपने दिमाग पे गिनती 10 तक की, क्योंकि देखो रिवाइव होने पे 10 सेकंड लगेगा। तो आप मेरे दिमाग पे बस एक ही चीज चल रही थी, टिक टिक टिक, साला रिवाइव कब होगा, और ये ऐसे के साथ एक नल्ला नॉक होता है, पूरे चार बंदे गाइस, ये तीन तो ऊपर, ये इतना पता है। अब ये गड़बड़ देखो, बहुत बड़ी गड़बड़, बच गया, दो की पेटी, तीन की पेटी, बहुत क्लोज आ चुका था मैं गाइस, फर्टेस एक्स के, लेकिन अभी एक बंदा अगर ढिल गया वर्ल्ड रिकॉर्ड हाथ से छूट जाएगा, एक इकलौता बंदा अगर ढिल गया। और ये चीज कम से कम पिछले 10 मिनट से चल रही है कि साला एक बंदा ढिल गया अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड छूट जाएगा। तो हाँ इट वॉज बैड बाय गाइस, काफी टाइम टाइम लग जाता है यार इन सब सीन में। अगर अपन लोग चार मैन नहीं होते बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि यार हलवा नहीं है साला 50 बंदे खेलना, दिक्कत आती है। देखो अपने दो बंदे ठिल गए, अगर हम तीन खेल रहे होते तो अभी सोलो स्क्वाड होता। और एक मिला, एक और है, लेकिन एक और ग्रोजा बाज है ये बेड़ा मेरे पे ग्रोजा बाज चलाई हो। और अब अपनी खुद की टीम पे लड़ाई हो जाती है गाइस, यहां पे तुम हल्ले सुनो। अरे बाहुली इस तरफ से छोड़ दे, छोड़ दे, पीछे पीछे देख, पीछे देख, पीछे घूर। अच्छा अच्छा पागल हो गया, रात को भी चिल्ला रहा है क्योंकि फटी पड़ी थी, चीख खुद निकल जाए। ये मैच ऐसा नहीं था जिसमें मैं कांपा हूं, पता नहीं क्यों पहले मैं कांप रहा था 50 किलो वाले में, लेकिन यार जब एक बार कर रहा ना तो फिर थोड़ा नॉर्मल सा लगने लगता है, नॉर्मल नहीं है लेकिन कांप नहीं रहा था इस बार, हाथ कांप नहीं रहा था तुम्हारे भाई का, लेकिन अब कांपना चाहिए मेरे भाई। चार बंदे लेटे पड़े और सप्रे धोखे पे धोखा देता है, कुछ नहीं उखाड़ा अभी तक,
बंदे अब भी जिंदा, एक भी नॉक नहीं हुआ, तीन तो मेरे को दिख गए गाइस, तो आज तीन बंदे तो है इधर, चौथा भी हो सकता है, लेटा हुआ गाइस डसने के लिए तैयार, तो हाँ कुछ भी हो सके इसमें, मैं दोबारा चक्कर काटता हूँ। कोई नॉक नहीं, एक गया, आखिर क्या एक बंदा नॉक हुआ, बेड़ा क्या बे दे रहा, ये रहे दो नॉक, रोकना मत, अब कॉल थी रोकना मत, अरे सर के मार इसको भाई एक ही है, बहुत गलत रुकते हम, बच गए नहीं रोकना था, मजाक सेट के रोकना ही देता इधर, अब यहाँ पे देखो क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूँ हमारी सिनर्जी जीरो है, मेरा टीममेट और माइक पे बोल रहा होता है मत रोकना, मैं भी बोल रहा होता मत रोकना, हमारे भैया ने गड्डी रोक दी, साले फेल देता अभी, फेल जाते अभी अगर वो सांप पीछे होता हमारे, लेकिन अब बच गए गाइस, अब बस एक बंदा बाकी था, आई वेरी क्लोज, वी आर वेरी क्लोज, बस एक बंदा साला जोन से रेडी ले, क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा जब मैं 40 के लिए रन कर रहा था, एक बंदा साला जोन के बाहर जाके ठिल गया था, तो आप इट इज व्हाट इट इज, लेकिन आखिरी बंदा पता नहीं कहा होगा, मैं बोलता हूँ भाई ध्यान से गाड़ी चलाइयो, और प्लीज रोकने से पहले मालिक थोड़ा पहले बता दे रहा ताकि साली का रिलोड पे रहो, तो हाँ दिक्कत है बहुत ही गाइस, यही होता है जब एकदम नए नए टीममेट लोग के साथ खेलोगा ऐसी रहता है, तो परेशानी हो जाती है, क्या बात है, अब आखिरी बता पता नहीं कहाँ बैठा है नल्ला, अब हो रखी थी धड़कन तेज की मेरे भाई, 52 तो पहुंच गया, एक किल और चाहिए, क्या हो पाएगा, यह पता चोर के बाहर टिल जाएगा, क्या होगा इस पे, एक काम कर वहीं पे रुक जाते हैं, जोन में भी है, जोन में मिल ही जाएगा, वो मरेगा तो है नहीं, आजा। अब यहाँ पे देखो मेरे टिबेट का आइडिया था कि भैया यहीं पे रुक जाते, मैंने बोला भाई बहुत बढ़िया यहीं पे रोक दो, क्योंकि मेरी भी फट रही है चलती गाड़ी पे, या वो नॉक कर दे या गलती से वो कुचल जाए, दिक्कत हो सकती है, तो हम लोग यहीं पे रुक जाते, अब देख रहे होते कहाँ है बंदा, मैं छत पे जाने वाला था लेकिन यार थोड़ा हिचकिचा रहा था मैं, क्योंकि पता नहीं अभी का किस साइड होगा, कोई आइडिया ही नहीं है, जोड़ के बाहर बैठा था, बट डेट 53 लेकिन मेरे को कुछ चीजें क्लियर कर दी है, तो मैं देख रहा था वीडियोस वगैरह और कमेंट वगैरह मैं पढ़ रहा था, तो लोगों ने बिल्कुल इस चीज को कंपटीशन बना दिया है कि यार ये वो कंपटीशन चल रहा है, इस बार तो मैंने जानबूझ के ट्राई हार्ड करके रिकॉर्ड तोड़ा, मेरा काम यार ये नहीं है रिकॉर्ड वगैरह तोड़ना, ये पीछे भागते रहो किल के, मतलब किल के पीछे मैं भागता हूँ, लेकिन यहाँ पे ना एक्स्ट्रा जबरदस्ती का भागना पड़ रहा था, जबरदस्ती अपने दोस्त को बुलाया मैंने, चौथे दोस्त को बुलाया, तो इसके चलते यार मतलब जो गेम का जो मजा लेने के लिए खेलता था वो मजा थोड़ा मेरे लिए थोड़ा फीका सा पड़ेगा, मतलब ठीक है रिकॉर्ड के पीछे भागो जब बनता है तब खुशी होती है, लेकिन जब जो बाकी मैच में बनता नहीं लगा तो उसमें दिमाग खराब हो जाता है, प्लस गाइस देखो इसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा, मेरे से जल्दी से नहीं टूटता है रिकॉर्ड, मतलब जैसे जैसे किल्स बढ़ेंगे यार टाइम ज्यादा लगता रहेगा, तो मेरे को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा बजवी में, जिसकी वजह से सीन ऐसा होता है, अपना जो द केस्टू चैनल है जहाँ पे अपन डेली के दो वीडियो अपलोड करते हैं, अपना जो पबजी का रिएक्ट वीडियो जहाँ पे दूसरों की वीडियो देख के मैं पैसा कमाता हूँ उस पर इफेक्ट पड़ता है, उस पर भी काफी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाली, अपना जो केस्टू वाला चैनल है जिसमें अपन लोग रेडिट रिव्यू करते गाइस उस पर इससे इफेक्ट पड़ता है, तो यार मतलब ठीक है अपन ने कर लिया दो बार कर लिया, ठीक है मेरी तरफ से गाइस दिस इज द एंड, वी डिड इट टू टाइम्स, अगर इसके बाद कोई रिकॉर्ड तोड़ता है भाई मेरी तरफ से ताली है, और मेरी तरफ से तुम्हें रिस्पेक्ट है, तुम एक बहुत जहर प्लेयर हो, मजा आ गया, मैं भी मानता हूँ हर कोई मानता है, इट इज यू हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट, मजाक से हटके, लेकिन गाइस मैं ये रिकॉर्ड कूट के पंगे से मैं संन्यास लेता हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, फालतू का टाइम जा रहा है, और प्लस बाकी चैनल पे फर्क पड़ रहा है पैसा, मेरा बाकी चैनल पे पैसा कम हो रहा है, प्लस यार मैं उन चैनलों को ग्रो भी करना चाहता हूँ, क्योंकि यार तुम्हें पता है बजवी का भरोसा नहीं आता है, चल देता है यार, दो तीन बार अपने को धोखा भी हो चुका है, तो ले गाइस इतना ही बात करना था मेरे को, साला ये बाल पता नहीं छोटा कैसे, उसने पूछा था भाई काट दू छोटा, मैंने हाँ वो, अरे मेरी गलती है, मैं ही नल्ला हूँ गाइस, लेकिन आप खैर मिलते हैं, बाय बाय।